नमस्कार, मैं हूं लोतिका ठाकुर और आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। समय हो चुका है दोपहर की खबरों का, आइए रुक करते हैं। चौमू में खेजरोली सड़क मार्ग स्थित चिमनपुरा मोड़ में खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर दौड़ के लिए भामाशाह पूर्व पार्षद हनुमान गोरा द्वारा 400 मीटर दौड़ का ट्रैक निर्माण करवाया गया। युवाओं ने बताया कि ट्रैक निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए हनुमान गोरा को अवगत कराया गया था, जिसके बाद युवाओं की मांग पर पूर्व पार्षद गोरा ने निर्माण कार्य शुरू करवाया। भादसोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसेन में उमंग वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कक्षा प्रथम से बारहवीं तक फर्स्ट सेकंड व थर्ड आने वाले बालक बालिकाओं प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में भामाशाहों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बालक बालिकाओं को पारितोषित प्रदान किए गए। साथ ही प्रिंसिपल हस्तिमल वीरवाल व संचालक चंद्रकांता सामरिया ने कार्यक्रम में पधारे आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। रामगढ़ पचवारा के गांव बिलका में दूध उत्पादन सहकारी समिति बिलका के द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे डेयरी चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूनिया ने लाडो योजना के बारे में जानकारी देते हुए बिलका गांव में जल्द बीएमसी खुलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मंडल संचालक सदस्य रामचरण गुर्जर, राम अवतार मीणा, गंगाराम, राम नारायण शर्मा, श्रवण रमेश, रामलाल मीणा, ग्राम पंचायत बीछा, सरपंच विष्णु शर्मा, पूर्व सरपंच सीताराम मीणा, बिलका सहकारी समिति अध्यक्षा प्रसन्न देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा में 12 से ज्यादा के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका शुभारंभ CMHO द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवराज मीणा की मौजूदगी में 12 के प्लस के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। साथ ही बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और अन्य बच्चों को भी वैक्सीन के लिए मोटिवेट किए जाने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। वहीं CMHO डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि अधिक से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और स्कूलवार टीमें भेजी जाएंगी ताकि दौसा जिले का लक्ष्य 1.25 लाख पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस एज ग्रुप के लिए वैक्सीन भी अलग से आई है। पहले जहां कोवैक्सीन लगाई जा रही थी, वहीं अब 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कार्बोवैक्स नामक वैक्सीन लगाई जा रही है। भिवाड़ी के अंतर्गत 2 महीने से हो रही अनेक चोरियों की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान भिवाड़ी के एडिशनल SP विपिन शर्मा ने क्षेत्र में हो रही चोरियों के मामले पर खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धरपकड़ अभियान के तहत भिवाड़ी SP शांतनु कुमार द्वारा एडिशनल SP विपिन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी उत्तर प्रदेश के कृपा सागर व बिहार के आरा जिले के रहने वाले पंकज को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी किए गए माल बरामद किया गया। हालांकि आरोपी से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ जारी है। मेला जो लगने जा रहा है, लक्की मेला, क्या सुरक्षा के इंतजाम इसके अंदर किए गए, कितनी फोर्सेस के अंदर लगाई गई? बाबा मोहन राम का पवन मेला जो यहाँ के लोक देवता है, लक्की मेला है, लाखों की संख्या में लोग इसमें आने की प्रबल संभावना है। चूंकि कोरोना काल से लेकर सभी भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार ने मेलों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था, चूंकि अब की बार प्रतिबंध हटा है, तो इसलिए लोगों के रुझान को देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए बाबा के आएंगे। इस संबंध में हमारे IGP साहब ने भी एक बार भिवाड़ी शहर का दौरा किया था। SP साहब के निर्देश के अंदर स्पेशल हमने प्रोग्राम सुरक्षा प्रबंध का निकाला है, जिसके अंदर इस मेले में अलग से CCTV कैमरे जो जगह जगह पर लगाए जाएंगे, जिसमें गुमशुदा लापता व्यक्तियों की तलाश के बाबत करीब 7 सेक्टर में हमने इस मेले को बांटा है। ऊपर होली से लेकर नीचे तक जो है उसको 7 सेक्टर में बांट के करीब। अलवर से होली मनाने गांव जा रहे 2 बाइक सवारों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस टीम द्वारा दोनों मृतक युवकों की शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बगड़ी गांव के निवासी थे और रिश्ते में चचेरे भाई थे।
दौसा के लालसोट रोड पर स्थित कृष्ण हॉस्पिटल में होली मिलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उमाशंकर शर्मा, आयुक्त राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन आयोग जयपुर का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंच पर कृष्ण हॉस्पिटल के संस्थापक केडी शर्मा, पूर्व पीएम ओ रामकरण जोशी चिकित्सालय दौसा के महेश शर्मा, रामकरण जोशी चिकित्सालय दौसा के फिजिशियन डॉक्टर डी एन शर्मा और ऋषभ शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मंच पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विचार मंच और कृष्ण हॉस्पिटल की तरफ से उमा शंकर को आयुक्त राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन आयोग जयपुर के पद पर पद ग्रहण करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर उमेश दत्त शर्मा, जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कृष्ण हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ रितु शर्मा भी मौजूद रहीं। भासोड़ा में होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 36 कौमों के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने होली के स्थान पर जल के लोटे से पानी का छिड़काव कर मंगल गीत गाए। साथ ही लोगों द्वारा ढोल के साथ होली दहन के स्थान पर पंडित रामलाल आमेटा, संजय आमेटा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा होली की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पटेल, अंबालाल जार, शांतिलाल तलेसरा, गांव के सरपंच शंभू सुथार, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रमेश कुमार चंडालिया, पंचायत समिति सदस्य गोविंद सोनी एवं गाँव के अन्य लोग मौजूद रहे। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में भंडार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भंडार से 4,03,00,000 की गणना हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भंडार 1.5 माह का आयोजन किया गया, जिसमें भेंट कक्ष से 95,07,919 रुपए प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर मंदिर मंडल के चेयरमैन भेरूलाल गुर्जर, भद्दशेर प्रधान एवं मंदिर मंडल सदस्य भेरूलाल जाट, मंदिर मंडल सदस्य पत्रकार भेरूलाल सोनी, बसोड़ा सरपंच शंभूलाल सुधार, अशोक शर्मा, सुनील मंडोरा, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद शर्मा, कालूलाल तेली, लहरीलाल गाडरे, राजकुमार शर्मा, गजेंद्र गौड़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अनूपगढ़ में होली व धुलंडी के अवसर पर तिलक होली प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया गया। यह फेरी शिव मंदिर से प्रारंभ होकर हनुमान चक्की से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। साथ ही इस आयोजन में विभिन्न संगठनों ने भाग लिया एवं शहर भर में जगह जगह रंगोली बनाकर इस भव्य शाम होली का स्वागत किया गया। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के निवास स्थान पर होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव व ग्राम पंचायत 90GB के सरपंच जर्नेल सिंह जम्मू ने सरपंचों का चल रहा आंदोलन के बारे में जिला प्रमुख को विस्तार से अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। साथ ही एक दूसरे के गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी एवं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी भगवान सांवलिया सेठ की धुलंडी के अवसर पर रथ यात्रा निकालकर भगवान सांवलिया सेठ की राजभोग आरती की गई। साथ ही भगवान सांवलिया सेठ के विग्रह रूप को बेवाण में बिठाकर पूजा अर्चना कर भक्तों के द्वारा सांवलिया सेठ को सुगंधित द्रव्य इत्र अर्पण कर अबीर गुलाल से होली मनाई गई। भगवान सांवलिया सेठ के संग होली खेलने के लिए राजस्थान के कई जिलों के अलावा भी देश के कई राज्यों से लोग या सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंदिर मंडल के अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, सदस्य भेरूलाल सोनी, अशोक कुमार शर्मा, ममता शर्मा, सुनील मंडोरा, शंभूलाल सुथार, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद शर्मा, नंदकिशोर टेलर रोकड़ी सहित मंदिर मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 साल से ये उत्सव जो बंद था कोरोना की वजह से, आज जो वापस शुरू कराया है। बोल सांवलिया सेठ की जय। मैं कैलाश चंद्र दादीज, प्रशासनिक अधिकारी सांवलिया मंदिर मंडल। ये विगत 3 वर्षों से, ये 3रा साल है, इस बार ये जो होली के महोत्सव पे ये फागोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान के संग लोग होली का लुत्फ ले रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न अलग अलग जगह से, कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से। चित्तौड़ जिले के अंदर एक सांवरिया सेठ का मंदिर जो जाना जाता है अक्षरधाम के नाम से, आज होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। भक्त लोग सांवरिया सेठ के दरबार में पहुंचे हैं और अबीर गुलाल लेकर भी पहुंचे हैं। भगवान सांवरिया सेठ को भगवान राजभोग आरती के पश्चात
भगवान सांवरिया सेठ को मंदिर से बाहर लाया गया और भक्तों द्वारा अबीर गुलाल से। भिंडर उपखंड में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से और शांतिपूर्वक मनाया गया। वहीं दो साल से कोरोना की मार झेल रहा बाजार में कोरोना का असर नजर आया। मुख्य मार्गों और बाजारों में बाजार में सन्नाटा छाया रहा और व्यापारियों को माल की भरपाई न होने पर व्यापारियों में उदासी नजर आई। वहीं दूसरी ओर होली दहन से पूर्व शीतला माता मंदिर में औरतों द्वारा जल चढ़ाया। वहीं बात करें होली दहन की तो भिंडर बड़गांव हिता केदारिया में होली चौक पर नरसिंह मंदिर के सामने और सूरज पुल दरवाजा मोचीवाड़ा चांद पोल दरवाजा गिरवर पोल में होली दहन का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार बड़ी धूमधाम और शांतिपूर्वक मनाया गया। जगह जगह पर ठंडाई का प्रोग्राम के साथ साथ लोकगीत और भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें लोगों ने अपने अपने लोकगीतों को और भजनों को सुनाकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। डूंगरपुर के बिलोड़ा गांव में पत्थरमार होली का आयोजन किया गया। इस दौरान 200 साल पुरानी परंपरा के तहत गांव को दो पक्षों में बांटकर पत्थरमार होली खेली गई, जिसमें 48 लोग घायल हो गए। घायल मरीजों में 45 लोगों का बिलोड़ा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 3 लोगों को ज्यादा चोटें लगने पर इलाज के लिए सागवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया। पुरानी परंपरा व मान्यता के चलते यह खूनी होली का आयोजन किया गया और यह परंपरा जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने निभाई गई। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए VMR भारत TV के साथ।